माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं। जब से बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने इथेनॉल की नीति बनाई है, तब से पूरे देश के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन इथेनॉल का बिहार बना है। और बिहार ने जितनी छूट दी उस इथेनॉल पॉलिसी को देखकर पूरे देश ने बनाया, और हमें 172 करोड़ लीटर का बिड किया, हमें कोटा 18 करोड़ लीटर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के केंद्र में बात करने के बाद वो कोटा डबल हुआ 36 करोड़ लीटर। और ये पहला यूनिट है जो ग्रेन बेस है। इस इलाके में मक्का बहुत होता है और यहाँ टूटे हुए चावल से यहाँ की भूसी भी बिजली बनाने में मदद करेगी। तो ये पहला प्लांट है और इसे बिहार का ही नहीं, ये देश का ग्रेन बेस पॉलिसी बनने के बाद पहला प्लांट है जो मुख्यमंत्री जी के दस्ते मुबारक से इनके हाथों से उद्घाटन हुआ है। और ऐसे कई प्लांट हमारे बन रहे हैं, मुजफ्फरपुर में चार बन रहे हैं, अभी हमारे चार प्लांट बनकर तैयार हैं, आरा में दो, गोपालगंज में, वो तीन और भी होना है। तो आज मुख्यमंत्री जी इसके लिए विशेष तौर पर आए, पूरे सीमांचल के लिए, इस कोसी इलाके के लिए, किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि यहाँ पर इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि वो आपको संबोधित करें। इन्होंने तो पूरी बात बता दी, और सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, पहली बार इथेनॉल का उत्पादन यहाँ पर शुरू हुआ है। आप लोगों में से तो बहुत लोगों को मालूम होगा कि 2007 से ही हम लोग चाह रहे थे इथेनॉल के लिए, और उसके लिए बहुत बड़ा प्रस्ताव भी आया था लोगों का, लेकिन उस समय जो हम लोगों ने कुछ कानून बना करके अमेंडमेंट करके भेजा तो उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। लेकिन अभी जब 2019 में एक कार्यक्रम के सिलसिले में मालूम हुआ कि जब केंद्र सरकार ने अब कर दिया है, ये तय किया है, तो खुशी की बात है। हमने सब लोगों को पूरी जानकारी भी दे दी कि हम लोग 2007 में किस तरह से कोशिश कर रहे थे और कितना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन उस समय की सरकार ने इसको माना नहीं। अब आप लोगों के समय से हो गया, तब कोई भी चीज़ से होगा। अब किसी भी चीज़ से भी उत्पादन, जिसके बारे में उन्होंने बता दिया, मक्का का बता दिया, और भी जितने भी जो पौधे हैं उसका सब कुछ ये सब बना दिया, आपका गन्ना का, इसका भी ना बता रहे हैं, चावल का भी, उसका जो टुकड़ा रहेगा उससे भी बन जाएगा, सब हो रहा है। तो इसीलिए जो कुछ भी होने वाला है ये बहुत अच्छी बात है, और आज जो इनका काम जो शुरू हो गया है,